भिवंडी में इन दिनों कांग्रेस पार्टी में घमासान चल रहा है। जिस लोकसभा चुनाव की टिकट को लेकर, कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा? आप भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष हैं, आपने दिल्ली हाईकमान पे कौन से नाम भेजे हैं? और जिस तरह से अभी दो दिन पहले माइनॉरिटी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की और उसमें कहा गया कि पैराशूट से आया हुआ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को नहीं चलेगा, क्या कहना है दोनों बातों को लेकर? देखिए, सबसे पहले भिवंडी लोकसभा के जो इलेक्शन होता है वो हाईकमान फैसला करता है और बाकायदा पूरा सर्वे होता है, आईबी रिपोर्ट की, सीआईडी रिपोर्ट की, पुलिस रिपोर्ट सब लेके कि भाई कौन कैंडिडेट यहाँ पे लड़ सकता है अच्छा और कौन जीत सकता है। और हर सवाल नाम भेजने के बाद हमने एक ठहराव लिया था जिसके अंदर माननी की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सुरेश तिवारी साहब का नाम, योगेश पाटिल साहब का नाम, विश्वनाथ पाटिल साहब का नाम, हमने ये मांगने वाले कम से कम उसमें 8 से 10 लोग थे और एक छगन पाटिल, ये 4 नाम हम लोगों ने ले जाता कि भाई इसमें से 4 नाम जो भी पार्टी फैसला करेगी हमको मंजूर है। और आज सवाल जो घमासान की आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसा घमासान की बात नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि हर आदमी जो पार्टी में मेहनत करता है, जो पार्टी के लिए अपने दिन रात एक करता है, पार्टी को बढ़ाने का काम करता है, टिकट उनमें से ही मिले तो हमें ज़्यादा खुशी है। हम भी चाहेंगे उसमें से खुशी, जिसको भी टिकट मिले हम उसका काम करेंगे। और रहा सवाल तो ये अफवाह जो बाहर से बात आ रही है कि भाई पैराशूट की जो बात है, क्योंकि ये पार्टी है, पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है हमारी सीट ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आवे। और अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आता है, पहली बात तो उसका दुख हमको होएगा कि भाई पार्टी में ना होते हुए और नया आदमी टिकट लेके आता है तो थोड़ा अफसोस तो होएगा हमको। लेकिन अगर हमारा हाईकमान उसका फैसला करता है कि भाई जिसको भी टिकट देता है हम उसका काम करेंगे। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी में, तो मालूम भी नहीं थी हमें, इतना भी नहीं किया गया, हमको बताया भी नहीं गया कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए ये भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से होना चाहिए। आप माइनॉरिटी लोगों को अपनी पर्सनल राय जो थी उन्होंने अपनी पर्सनल राय दी और ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह टिकट जो भी लाएगा पूरी पार्टी उसका दिल और जान से काम करेगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी सीट चुन के लाने की। सर, सोशल मीडिया पे और शहर में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के नगर सेवकों ने और कई पदाधिकारियों ने समर्थन लेटर दिया है जो कांग्रेस पार्टी में अभी कैंडिडेट है भी नहीं, जो कैंडिडेट होने वाला है। देखिए, पहली बात तो संगठन की बात तो मैं ये करूँगा कि कोई पदाधिकारी ने लेटर नहीं दिया है। और रहा सवाल नगर सेवकों का, नगर सेवकों ने लेटर दिया है ये बात सही है, लेकिन मुझे या महापौर साहब को किसी को एतमाद में लेके नहीं दिया गया लेटर। हमने उनको बाद में बुला के मीटिंग ली और पूछा गया कि भाई आपने पार्टी को इतना नहीं दिया, पार्टी से अध्यक्ष को नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। उनका कहना था कि भाई मांगने का हक सबको है, हर आदमी का अपना अपना पसंद का कैंडिडेट होता है। हम सब नगर सेवक चाहते थे हमारे हिसाब से कैंडिडेट मिले और हमने लेटर दिया है, कोई टिकट मिल नहीं गया है। जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी जिसको तो भी टिकट देगी हम उसका काम करेंगे। मेरा यही सवाल है कि जो समर्थन लेटर मिला है, दिया है, वो समर्थन लेटर पार्टी के कैंडिडेट को दिया है कि अदर पार्टी के दिया है? भाई वो आप उनसे सवाल करिए, मैंने लेटर तो अभी तक देखा नहीं है। हाँ, कि भाई किसका नाम लिख के दिया है, मैंने पर्सनल लेटर देखा नहीं, ना मुझे इसकी मालूम है, तो मालूम लेकर बाद में आप पूछेंगे, मैं बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।